उत्तराखंड राज्य की भाजपा सरकार ने लोगों को फ्रैगमेंट कानून में राहत प्रदान की और अब वह लोग अपने भूखंडों का दाखिल खारिज सर्किल रेट के अनुसार स्टैम्प ड्यूटी जमा कर करा सकेंगे, जिनके दाखिल खारिज केवल इस आधार पर नहीं होते थे कि उनके भूखंड फ्रैगमेंट एक्ट के दायरे में आते हैं। ये जानकारी रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक आदेश चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि केवल उनके विधानसभा क्षेत्र में ही हजारों लोग फ्रैगमेंट एक्ट के तहत दाखिल खारिज ना होने से कई परेशानियों का सामना कर रहे थे। राज्य जो इसको लेकर पूर्व में आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस सरकार के दशमेश में या टीडी विस्तारित होने का समय में है, सीतापुर की कई कॉलोनियां पुलिस के अंदर रखे थे। वहीं इस बार हमारे जो राज्य जो इसको लेकर पूर्व में आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस सरकार के दशमेश में या टीडी विस्तारित होने का समय में है, सीतापुर की कई कॉलोनियां पुलिस के अंदर रखे थे। वहीं इस बार हमारे जो राज्य जो इसको लेकर पूर्व में आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस सरकार के दशमेश में या टीडी विस्तारित होने का समय में है, सीतापुर की कई कॉलोनियां पुलिस के अंदर रखे थे। वहीं इस बार हमारे जो राज्य जो इसको लेकर पूर्व में आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस सरकार के दशमेश में या टीडी विस्तारित होने का समय में है, सीतापुर की कई कॉलोनियां पुलिस के अंदर रखे थे। वहीं इस बार हमारे जो राज्य जो इसको लेकर पूर्व में आपको ध्यान होगा कि बहुत से भूखंड ऐसे थे जिनके स्वामियों को उसका स्वामित्व तो आज तक भी हासिल नहीं हुआ था। उन लोगों ने मकान बना लिए अपने, लेकिन मकान के बनाने के लिए ना तो लोन मिला था। जिन लोगों ने मकान बना लिए तो वो उनकी संपत्ति जो सारी की सारी राज्य सरकार में निहित होती जा रही थी, उन सब लोगों के वो मानसिक प्रताड़ना को भी झेल रहे थे और आर्थिक रूप से भी वो एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे थे। पिछली सरकार के दौरान हम लोगों ने बार बार इस चीज़ को उठाया, लेकिन उस समय सरकार ने इसका कोई समाधान नहीं दिया था।